हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल बबीता मेहरा। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रेड बॉक्स स्टिक स्नैक्स। आप अभी ही अपने टी टाइम के लिए ये क्रिस्पी स्नैक्स रेसिपी वीडियो पूरी देखें, जिससे आप बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूनिक रेसिपी देखने के लिए बबीता मेहरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन क्लिक कर दें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप देखें। तो सबसे पहले उबले हुए आलू लेना है, और यहाँ पर मैंने दो आलू लिए हैं और आलू को अच्छे से मैश कर लिया है, ये देखिए। तो अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ गाजर डालेंगे, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब, कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे ये भी हाफ टी स्पून के करीब, टमाटो केचप डालेंगे एक चम्मच के करीब, सोया सॉस डालेंगे ये भी एक चम्मच के करीब। चीज़ डालना है इसमें, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, मैं इसमें एक चम्मच चीज़ डाल रही हूँ। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और इसमें सभी चीज़ डाल दिया है तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब ये अच्छे से मिक्स होकर तैयार हो गया है, तो अब इसे हम रख देते हैं। और इधर कुछ ब्रेड स्लाइस लेना है और ब्रेड के किनारों को कट करके निकाल लेना है, और ये देखिए ब्रेड के किनारों को कट करके निकाल लिया है। अब इसे हम स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे इस तरह से, और ये देखिए। और इसी तरह हम सभी ब्रेड स्लाइस को कट कर लेंगे। अब हम इससे ब्रेड के ऊपर लेयर बनाएंगे, इस तरह से एक अच्छे सा लेयर बना लेना है, और इसके ऊपर हम दूसरे ब्रेड स्लाइस से कवर कर देंगे इस तरह से, देखिए जैसे हम सैंडविच बनाते हैं। और इसी तरह हम सभी को तैयार कर लेते हैं, और ये तैयार हो गया। इधर एक बॉल में एक कप मैदा लेना है, इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून, नमक डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब, पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें एक साथ पानी ना डालें, इसमें धीरे धीरे करके ही पानी डालें, ताकि इसमें लम्स ना पड़े, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और ये देखिए इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, एक लेयर सा बनना चाहिए। चार से पांच ब्रेड स्लाइस को मिक्सी ग्राइंडर में पीस कर ये ब्रेड क्रम्स तैयार हो गया है। तो अब इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इस सैंडविच को पहले इस घोल में डिप करेंगे, ये देखिए इस तरह से डिप करना है, एक फोक की हेल्प से इसे बाहर निकाल लेंगे, और इसे अब ब्रेड क्रम्स में डालेंगे, और इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग अच्छे से कर लेना है इस तरह से प्रेस करते हुए, और ये देखिए कोटिंग हो गई है। और इसी तरह से हम ब्रेड बॉक्स स्टिक तैयार करेंगे। इसके लिए हम टूथपिक बड़े साइज का चाहिए, और इसमें हम सैंडविच इस तरह से लगा लेंगे, ये देखिए चार से पांच आप लगा सकते हैं इसमें सैंडविच। और ये देखिए तैयार हो गया है, और इसी तरह से हम दो और तैयार कर लेंगे, और यहाँ पर ये तैयार हो गया है। और इसी तरह से ब्रेड बॉक्स स्टिक को पहले हम इस घोल में डिप करेंगे, इस तरह से डिप करना है चारों साइड से, और ये देखिए अच्छे से डिप हो गया है। तो अब इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे अच्छे से, और ये देखिए ब्रेड क्रम्स की कोटिंग भी अच्छे से हो गई है। और इसी तरह हमने सभी की कोटिंग अच्छे से कर ली है। डीप
फ्राई के लिए तेल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब इसमें हम सैंडविच स्टिक डाल देंगे। गैस का फ्लेम पहले हम मीडियम रखेंगे, इसे पहले हम एक साइड फ्राई होने देंगे तभी पलटेंगे। और ये देखिए सभी साइड से फ्राई हो गया है। इसे और भी क्रिस्पी बनाने के लिए हम गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर देंगे। और ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है और ये बहुत ही क्रिस्पी हो गया है, तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। और ये हमारा ब्रेड बॉक्स स्टिक्स बनके तैयार है। और इसी तरह से बाकी हम ब्रेड बॉक्स को भी फ्राई कर लेंगे। और ये हमारा क्रिस्पी ब्रेड बॉक्स सैंडविच बनके तैयार है। ये क्रिस्पी स्नैक्स रेसिपी आप जरूर ट्राई करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।